हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो स्वागत है आप सभी का बीएससी वर्ल्ड अमर सिंह यूट्यूब चैनल में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर में बॉटनी की यूनिट 5 स्टार्ट हो रही है। इसमें हम पढ़ेंगे मॉडर्न ट्रेंड्स इन प्लांट टेक्सोनॉमी। इसमें जनरली हमको पढ़ना क्या है, पहले बेसिक चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। यूनिट 5 जो है बॉटनी की, मॉडर्न ट्रेंड्स इन प्लांट टेक्सोनॉमी, इसमें हमको न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी पढ़ना है। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी जो कि एडवांस टेक्सोनॉमी है, ठीक। फेनेटिक्स है, क्लेडिस्टिक है। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी के कुछ बेसिक आइडियाज पढ़ने हैं हमको। इसके अलावा इसमें मोनोफाइलेटिक, पॉलीफाइलेटिक, ठीक है, बायोमेट्रिक, जिसको टेक्सो टेक्सोनॉमी मैट्रिक्स भी बोलते हैं, टेक्सीमेट्रिक्स, ठीक है। तो इन चीजों के बारे में पढ़ना है। आज का जो लेक्चर है वो कंप्लीटली फेनेटिक्स के ऊपर बेस्ड है और न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी की बेसिक आइडिया समझेंगे, ठीक। तो पीडीएफ नोट्स आपको जहाँ मिलते हैं, इससे पहले मिलते हैं, वही मिल जाएंगे बीएससी वर्ल्ड अमर सिंह नाम से जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आपको मिलेंगे, ठीक। तो 5वीं यूनिट का ये पहला लेक्चर है। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी क्या होती है, पहले हम इसको समझते हैं। आपको जैसे कि पता है, हम लोग क्लासिफिकेशन वगैरह पढ़ चुके हैं, किस तरीके से टेक्सोनॉमी के जितने बेसिक टर्म हैं वो सब पहले ही यूनिटों में पढ़ चुके हैं। तो इसमें जो है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी क्या होता है, जो कंप्यूटर बेस्ड टेक्सोनॉमी है, जिसमें हम क्या करते हैं, कैरेक्टर को नंबर दे देते हैं कंप्यूटर में और वो अपने आप क्लासिफाई कर देता है, ठीक। तो कंप्यूटर बेस्ड चीजें यहाँ पे पढ़ना है। इसको हम न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी जो है, इसी को हम बोलते हैं टेक्सोमेट्रिक्स। क्या बोलते हैं, टेक्सोमेट्रिक्स। टेक्सोमेट्रिक्स और न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी इज अ टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द न्यूमेरिकल कंपेरिजन ऑफ लार्ज नंबर्स ऑफ क्वालिटी वेटेड कैरेक्टर्स स्कोर्ड कंसिस्टेंटली फॉर ऑल द ग्रुप्स अंडर कंसिडरेशन एंड इन विच इंडिविजुअल्स आर ग्रुप्ड स्लोली ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेबल सिमिलरिटीज। तो न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी जो है, इसमें हम क्या करते हैं, देखते हैं मॉर्फोलॉजी ही है, जो बाह्य आकृत होते हैं प्लांटों के, जो बाहर के कैरेक्टर्स होते हैं उनको डाटा के जैसे यूज करके फिर हम प्लांटों को क्लासीफाई करते हैं। तो फेनेटिक्स क्या होता है, फेनेटिक्स जनरली वही न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी ही है। फेनेटिक्स में ओवरऑल कैरेक्टर लिए जाते हैं, ओवरऑल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स जो होते हैं, कंप्लीट कैरेक्टर लिए जाते हैं, जितने भी कैरेक्टर हो उस प्लांट के। अब कैरेक्टर मतलब, कहने का मतलब तो समझ रहे होगे ना, इनफ्लोरिसेंस कैसा है, ठीक, रूट का टाइप कैसा है, रूट सिस्टम कैसा है, टैप रूट सिस्टम है, एडवेंटिशियस है, फाइबरस रूट है, लीफ का अरेंजमेंट कैसा है, लीफ में वेनेशन कैसा है, फ्लावर के कैरेक्टर कैसे है, एंड्रोसियम गाइनोसियम की पोजीशन क्या है, किस तरीके से स्टेमेंस हैं, कितने स्टेमेंस हैं। तो इस तरीके से लगभग 100-200 कैरेक्टर भी एक प्लांट के हो सकते हैं। फेनेटिक्स इन्वॉल्व द ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डाटा ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज ऑफ द पर्पज ऑफ ऑब्टेनिंग अ क्लासिफिकेशन। फेनेटिस्ट ट्रीज द इम्पोर्टेंस ऑफ यूजिंग अ लार्ज नंबर ऑफ कैरेक्टर्स एटलीस्ट 60 बट प्रेफरेबली 80 to 100। तो मतलब लगभग 100 कैरेक्टर हम लेते हैं एक प्लांट के इसमें, ठीक। दैट कैन बी को रिलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी, जिनको हम समानता के आधार पर को रिलेट करते हैं। फेनेटिक सिस्टम आर बेस्ड ऑन डाटा डिराइव फ्रॉम द फिनोटाइप्स। अब ये बात अच्छे से समझ लो, यहाँ पे कोई फाइलोजेनी यूज नहीं होती, सीधे शब्दों में क्वेश्चन पूछा जाता है। फेनेटिक्स जो है, इसमें आप फिनोटाइप बेस पे चीजों को यूज करते हो। फिनोटाइप क्या होता है, जो बाहर से दिखती, जैसे हार्डवेयर है, एक लैपटॉप का हार्डवेयर या कोई भी डिवाइस है, उसमें दो पार्ट होते हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जो इंटरनल चीजें हैं, और हार्डवेयर क्या है, जो बाहर से आप छू सकते हो, देख सकते हो। सेम ऐसे ही जीनोटाइप और फिनोटाइप, दो वर्ड आपने सुने होंगे। जीनोटाइप मतलब जो इंटरनल फीचर हैं उसके,
किसी भी प्लांट या ऑर्गेनिज्म के जो इंटरनल चीजें जिस पे डिपेंड कर रही है वो जीनोटाइप है। फिनोटाइप बाहर से जो आकृति दिख रही है, बाहर के जो लक्षण है, पत्तियां कैसी हैं, कितनी है, पेड़ की हाइट कितनी है, ऑर्गेनिज्म की हाइट कितनी है, गोरा है काला है, ये सारी चीजें क्या है, फेनोटाइप है। लक्षण जो बाहर से दिख सकते हैं, जिनको आप स्पर्श कर सकते हो, नेकेड आई से देख सकते हो। तो ये जो फेनेटिक्स है इसमें हम कोई फाइलोजेनी नहीं यूज करते हैं, जाति वृत्तता नहीं देखते हैं कि इसका एवोल्यूशन कहाँ से हुआ है, उसके आधार पे हम क्लासिफाई नहीं करते हैं। फेनेटिक्स में सीधा हम फिनोटिपिक बेसिस की चीजें लेते हैं। फेनेटिक सिस्टम आर बेस्ड ऑन डाटा डिराइव फ्रॉम फिनोटाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। मतलब जो फेनेटिक सिस्टम है ये किसी भी ऑर्गेनिज्म, किसी भी जीव, बेसिकली हम यहाँ प्लांट टेक्सोनॉमी पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हम प्लांट की बात करेंगे। एक प्लांट की जो बाहर की चीजें हैं, फिनोटाइप्स हैं, उससे डिराइव डाटा जो है, उससे मिला हुआ डाटा, उसके आधार पे जो हम क्लासिफिकेशन का सिस्टम यूज करते हैं उसको हम फेनेटिक सिस्टम बोलते हैं। द आइडिया ऑफ फेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वॉज प्रपोज बाई एडनसन। तो ये साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले बताया था सन 1936 में, ठीक, सॉरी 1963 में। एडनसन साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले फेनेटिक सिस्टम के बारे में या फेनेटिक्स के बारे में बताया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये एक नंबर में क्वेश्चन भी पूछा जाता है, आपको एज इट इज याद कर लेना है। चलिए, विद द अवेलेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर्स, जब हमको कंप्यूटर वगैरह मिलने लगे इन 1950s, मिसनर एंड सोकल, स्नेथ, सैन एंड हैरिसन बिगेन टू प्रपोज कंप्यूटर बेस्ड मेथड फॉर क्वांटिफाइंग सिमिलरिटी एंड फॉर ग्रुपिंग टेक्सा यूजिंग क्वांटिटेटिव मेथड। कहने का मतलब, सन 1950 के बाद में जब कंप्यूटर्स ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल होने लगे थे, तब कुछ साइंटिस्टों ने क्या किया कि ये जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम है ये कंप्यूटर बेस्ड कर दिया, क्योंकि आप जानते हो कंप्यूटर में किसी भी चीज़ के लिए अगर एक प्रोग्राम हम बनाते हैं तो वो उससे हम कई सारे जनरा को हम क्लासिफाई कर सकते हैं। एक बार हमको कैरेक्टर उसमें लिखने पड़ेंगे कि इतने 100 कैरेक्टर हमने लिख दिया, फिर जब किसी भी प्लांट को का आप कैरेक्टर डालोगे तो वो अपने आप मैच कर देगा वहां से, ठीक। तो कंप्यूटर बेस्ड जो चीज़ें होती हैं यहाँ पे हमको आसानी मिलेगी, टाइम की बचत होगी और ज़्यादा ऑथेंटिक डाटा हम यूज कर सकेंगे, कमियां भी बहुत कम होंगी, समझ रहे हो ना इस चीज को। तो क्वांटिफाइंग सिमिलरिटी एंड फॉर ग्रुपिंग टेक्सा यूजिंग क्वांटिटेटिव मेथड्स, न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी और टेक्सोमेट्रिक्स मेथड्स वेयर यूज्ड बाय स्नेथ टू बैक्टीरिया एंड बाय मिसनर एंड सोकल इन बीज। तो सबसे पहले किसने ये यूज किया था न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी, एक साइंटिस्ट थे स्नेथ, इन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया पे क्लासिफिकेशन में यूज किया था, और मिसनर और सोकल जो थे इन्होंने बी पे एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने, सोकल और स्निथ ने, एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, ठीक। किसने दिया था इस बुक को, किसने पब्लिश किया था, तो सोकल एंड स्निथ ने बुक पब्लिश की थी प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी, जिसमें सभी प्रिंसिपल वगैरह लिखे थे कि किस तरीके से क्या आप प्रोसेस करके न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी को समझने की बेसिक बेसिक आइडिया इन्होंने उसमें दिए थे। सन 1963 में ये बुक पब्लिश हुई थी, जिस आधार पर इन्होंने बीज और बैक्टीरिया वगैरह के क्लासिफिकेशन किया था न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी के अकॉर्डिंग, वही चीज़ें उस बुक में पब्लिश की थी ताकि भविष्य में लोग उसको और ज्यादा ब्रॉड कर सके। व्हिच लेटर वाज अपडेटेड एज न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी, जो प्रिंसिपल ऑफ न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी है उसको 10 साल बाद अपडेट किया गया। जैसे आप जानते ही हो चीजों में अपडेट होता ही रहता है, ऐसे इसमें भी अपडेट किया गया, कुछ चीजें जो गलत थी उनको सुधारा गया और मोर डेट बनाया गया, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं हम न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी, उसी बुक को। सेवन मैन प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी आर लेट डाउन, तो हम सात महत्वपूर्ण जो प्रिंसिपल हैं उनको पहले समझते हैं। सबसे पहली बात है द ग्रेटर द कंटेंट ऑफ इंफॉर्मेशन इन द टैक्सा ऑफ क्लासिफिकेशन एंड द मोर कैरेक्टर्स ऑन व्हिच
इट इज बेस्ड द बेटर अ गिवन क्लासिफिकेशन विल बी। मतलब किसी क्लासिफिकेशन के लिए किसी ऑर्गेनिज्म को जब आप पकड़ोगे तो उसके जितने ज्यादा उसके कैरेक्टर आप एग्जुट कर पाओगे उतना ही ज्यादा बेटर क्लासिफिकेशन होगा। ग्रेटर द कंटेंट ऑफ इंफॉर्मेशन इन द टेक्सा ऑफ क्लासिफिकेशन एंड द मोर कैरेक्टर्स ऑन विच इट इज बेस्ड द बेटर अ गिवन क्लासिफिकेशन विल बी। मतलब जितना ज्यादा उस टेक्सा से रिलेटेड, अब टेक्सा का मतलब क्या है यहाँ पे, एक टेक्सा जो है एक जीनस हो सकता है, एक स्पीसीज भी हो सकता है, जैसे बिल्ली एक टेक्सा है, सोलेनम एक टेक्सा है, समझ रहे हो ना, एक जीनस एक टेक्सा है, टेक्सा का मतलब वर्ग होता है, ग्रुप होता है, समझ रहे हो। तो इस तरीके से किसी भी टेक्सा के बारे में जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करोगे उतना ही अच्छा आपका क्लासिफिकेशन अच्छे तरीके से कर पाओगे। अब प्रायोरिटी, एवरी कैरेक्टर इज ऑफ इक्वल वेट इन क्रिएटिंग नेचुरल टेक्सा। कहने का मतलब चाहे कैरेक्टर छोटा हो या बड़ा हो सबको इक्वल वेटेज दिया जाएगा। बात समझ में आई। थर्ड पॉइंट है प्रिंसिपल, ओवरऑल सिमिलरिटीज बिटवीन एनी टू एंटिटीज इज अ फंक्शन ऑफ देयर इंडिविजुअल सिमिलरिटीज इन ईच ऑफ द मेनी कैरेक्टर्स इन विच दे आर बेइंग कंपेयर्ड। मतलब इसमें ओवरऑल सिमिलरिटी ली जाती है, ओवरऑल कैरेक्टर की बात की जाती है। डिस्टिंक्ट टेक्सा कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बिकॉज कोरिलेशन ऑफ कैरेक्टर्स डिफरेंट इन द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स अंडर स्टडी। पॉइंट नंबर 5, फाइलोजेनेटिक इन्फरेंसेस कैन बी मेड फ्रॉम द टेक्सोनोमिक स्ट्रक्चर ऑफ अ ग्रुप एंड फ्रॉम कैरेक्टर कोरिलेशंस गिवन सर्टाइन अजम्पशंस अबाउट एवोल्यूशनरी पाथवे एंड मैकेनिजम्स। नंबर 6, टेक्सोनोमी इज व्यू एंड प्रैक्टिस्ड एज एन एम्पिरिकल साइंस। क्लासिफिकेशन आर बेस्ड ऑन फेनेटिक सिमिलरिटीज। तो ये कुछ मेन प्रिंसिपल है। फेनेटिक सिमिलरिटीज का मतलब वही जो फिनोटाइप कैरेक्टर हम करेक्टर लेते हैं जिसमें जीन की बात नहीं करते, इंटरनल चीजों की बात नहीं करते हैं। यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस भी इसके लिखे हुए हैं। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी हैज द पावर टू इंटीग्रेट डाटा फ्रॉम वेराइटी ऑफ सोर्सेस सच एज मार्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, केमिस्ट्री, एफिनिटीज बिटवीन डीएनए स्ट्रैंड्स, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन, एल्केलॉइड, इन सभी चीजों को इसमें यूज किया जाता है। ठीक है, यस, ये एडवांटेजेस हैं जिसको आप पढ़ लेना, ठीक है, अपने आप से। चलिए कुछ और आपको स्लाइड में दिखाता हूँ। यहाँ पे ये है जो हम फेनेटिक्स पढ़ रहे हैं, फेनेटिक्स, इसके अगले लेक्चर में आपको क्लेडिस्टिक पढ़ाएंगे। तो बेसिक डिफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है जिसको आप लोग इसको याद कर सकते हो, नोट कर सकते हो। इट इज अ टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ वेरियस टाइप ऑफ टेक्सोनोमिक डाटा जिसको न्यूमेरिकल कंपेरिजन बोलते हैं ऑफ इक्वली वेटेड कैरेक्टर। मतलब कोई भी कैरेक्टर हो, छोटा हो बड़ा हो, इक्वल वेटेज हम देते हैं बाय मैथमेटिकल और कंप्यूटराइज्ड मेथड एंड इज व्हिच इन विच इंडिविजुअल्स आर ग्रुप्ड स्लोली ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेबल सिमिलरिटीज। कंसेप्ट वॉज प्रपोज बाई एडमसन्स लेटर इन 1963 स्नेथ और सोकल पब्लिश अ बुक प्रिंसिपल ऑफ न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। यहाँ शॉर्ट में वही चीजें लिखी हुई हैं आपके याद करने के लिए, जो मेन मेन पॉइंट जो मैंने आपको बुक वाला वो पैराग्राफ पढ़ाया वहां से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपको याद करने भर की समझने को है, वहां आप डिटेल में पढ़ोगे उसको, क्योंकि बुक पढ़ोगे तभी नॉलेज आपका बढ़ेगा, उसमें सभी चीजें हैं। और क्वेश्चन मतलब याद कितने कर सकते हो, रट कितना सकते हो, वो यहाँ है मटेरियल। एंड अट्रैक्टेड साइंटिफिक कम्युनिटी टुवर्ड्स न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी बेसिक यूनिट इज OTUs। ये जो OTU है ये क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। OTU जैसे आपका कोई एक प्लांट है, OTU में आप एक प्लांट की भी बात कर सकते हो, एक जीनस की भी बात कर सकते हो, ठीक है।
अगर किसी प्लांट के बारे में आपको क्लासिफिकेशन करना है, जैसे सोलेनम है, सोलेनम के बारे में लिखना है, तो जितने कैरेक्टर यूज करोगे उसके, उसको ओटीयू बोला जाएगा। समझ में आया? एक जीनस की बात करो या सिंगल स्पीसीज की बात करो, जब उसके कैरेक्टर को लिखोगे तो उसको ओटीयूज बोला जाएगा। प्रिंसिपल्स यहाँ पे दिए गए हैं वही जो वहाँ पे कई सारे थे प्रिंसिपल, 7 प्रिंसिपल थे, यहाँ 3 लिखे हैं। उसमें से मैन द मोर कैरेक्टर्स द बेटर आई गिवन क्लासिफिकेशन विल बी, यही तो वहाँ डिटेल में लिखा था। जितने ज्यादा कैरेक्टर्स आप एकजुट करोगे उतना ही बेटर क्लासिफिकेशन दे पाओगे। एवरी कैरेक्टर शुड बी गिवन इक्वल वेटेज, इक्वल वेटिंग की बात की जा रही है। क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन फेनेटिक सिमिलरिटीज। तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल हैं जिनको यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ये तो याद ही कर लेना है अगर 7 नहीं याद हो रहे हैं आपको। वैसे पूरा याद हो जाए तो ज्यादा अच्छा। और भी यहाँ पे देखो, डिटर्मिनेशन ऑफ टेक्सोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन ओटीयूज क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल सिमिलरिटीज। ठीक, फेनेटिक्स के लिए वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट, ओवरऑल सिमिलरिटीज देखी जाती है। सेलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, कैसे आप कैरेक्टर को सेलेक्ट करोगे। कैरेक्टर्स विच आर यूज्ड आर कॉल्ड यूनिट कैरेक्टर्स। यूनिट कैरेक्टर्स इज ऑफ टू और मोर स्टेट्स एंड कैन बी क्लासिफाइड इनटू सेलेक्शन ऑफ टेक्सा मेथड्स एंड प्रोसीजर ऑफ न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। सबसे पहला सिलेक्शन ऑफ टेक्सा, सिलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स और ट्रीट। थर्ड है क्लस्टर एनालिसिस या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ये क्लस्टर एनालिसिस पे आपका शॉर्ट नोट पूछा जाता है अलग से कि क्लस्टर एनालिसिस क्या होता है। ठीक, तो सबसे पहले हम सिलेक्शन ऑफ कैरेक्टर की बात करेंगे, वो जो 3 चीजें थी। अब आपको पता ही है कि कंप्यूटर में भाषा कैसे यूज होती है, कंप्यूटर की भाषाएं अलग होती हैं। इसमें हम बाइनरी मैथमेटिक्स की बात करते हैं जिसमें सिर्फ हम यस और नो के, नो में आंसर दे सकते हैं। मतलब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जैसे कि आपने खाना खाया तो आप 2 ही चीजें तो बता सकते हो, यस या नो। आप सोए, यस या नो। आप आए, यस या नो। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं तो उसमें कंप्यूटर में बाइनरी यूज करते हैं। क्या करते हैं? बाइनरी फीचर होता है जिसमें यस को 1 से और नो को 0 से रिप्रेजेंट किया जाता है, या फिर यस को प्लस से और नो को माइनस से आप लिख सकते हो। ये बात इतनी समझ में आई? कैरेक्टर्स विच आर यूज्ड आर कॉल्ड यूनिट कैरेक्टर्स। यूनिट कैरेक्टर्स इज ऑफ टू और मोर स्टेट एंड कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। फर्स्ट है बाइनरी कैरेक्टर, सेकंड है मल्टी स्टेट कैरेक्टर। तो बाइनरी कैरेक्टर मतलब समझते हो, वही या तो है या नहीं है, या प्रेजेंट है या अब्सेंट है। और मल्टी स्टेट कैरेक्टर में जैसे गिनती वाला होगा, जैसे आपके पास कितने रुमाल है, अब बताइए। अब इसमें यस और नो तो जवाब दे नहीं सकते हो, अब इसमें नंबर बताओगे ना, 2 हैं, 4 हैं, 10 हैं। और मैंने आपसे पूछा कि क्या आप छत से नीचे छाल मार सकते हो, तो आप यही तो बोलोगे, ये तो नहीं बोलोगे कि 4 मार सकता हूँ, यस या नो, मार सकते हो या नहीं मार सकते हो। तो 2 टाइप के कैरेक्टर होते हैं। बाइनरी कैरेक्टर मतलब अ कैरेक्टर हैविंग ओनली 2 स्टेट्स एंड रिकॉर्डेड एज प्रेजेंट और अब्सेंट। जैसे सेल वॉल, मैंने पूछा आपसे बैक्टीरिया में सेल वॉल है या नहीं, तो आप अगर भाई बैक्टीरिया में तो होता ही है तो आप बोलोगे प्रेजेंट है, मतलब आप 1 लिखोगे। और अगर मैंने पूछा कि एनिमल में सरवाल है तो बोलोगे अब्सेंट है, तो वहां पे 0 लिखोगे। या फिर बैक्टीरिया में सेल वाल है यस, तो उसके लिए प्लस यूज कर सकते हो या फिर 1 यूज कर सकते हो। एनिमल जो ह्यूमन है, ह्यूमन के सेल में सेल वाल है नहीं है, तो या तो आप 0 यूज करेंगे या फिर माइनस। इसको बोलते हैं बाइनरी कैरेक्टर्स, प्रेजेंट है या फिर अब्सेंट है। फिर सेल वाल इज कैरेक्टर, यहाँ पे जहां एक सेल वाल कैरेक्टर है एंड प्लस और माइनस इट्स स्टेट, प्रेजेंट और अब्सेंट इट्स स्टेट, 1 और 0 इट्स स्टेट। इसको कोडिंग कैसे करते हैं? प्रेजेंट है अगर तो या तो प्लस या 1, अब्सेंट के लिए माइनस और 0। ठीक, समझ में आया? अगर मिसिंग है मतलब कोई बात ही नहीं की जा रही तो यन सी आप लिखोगे। मल्टी स्टेट कैरेक्टर, अ कैरेक्टर हैविंग 3 और मोर डिफरेंट स्टेट्स
एंड मैं भी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, जैसे कि फ्लावर का कलर। तो अब फ्लावर कलर ऐसे तो बोल नहीं सकते हो यस या नो, रेड पिंक ऑरेंज व्हाइट येलो कई सारे कैरेक्टर, स्टेट ऑफ कैरेक्टर है। तो इसमें कोडिंग क्या होगी, कैन बी कोडेड इनटू नंबर यूजिंग नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, ये बात याद रखना, -1 -2 तो हो नहीं सकता कलर, या तो 0 कलर होंगे या फिर 1 2 3, मान लो 5 कलर है फ्लावर्स में, तो 5 कलर के हो गए, तो इस तरीके से आप पॉजिटिव इंटीजर यूज करोगे। ठीक, इतनी बात समझ में आई। चलिए भैया अगले पेज पे चलते हैं। रूल्स फॉर सिलेक्शन ऑफ यूनिट कैरेक्टर, ये भी याद रखना जरूरी है। पहला है इंक्लूडेड ऑल पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म, मतलब ऑर्गेनिज्म के पूरे ऑल पार्ट्स के कैरेक्टर आपको सेलेक्ट करने हैं, छोड़ना नहीं है कुछ भी। जितने ज्यादा कैरेक्टर होंगे उतना अच्छा क्लासिफिकेशन होगा। नॉट लेस देन 50 कैरेक्टर, क्योंकि बेसिक मिनिमम एटलीस्ट 60 कैरेक्टर मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि होने ही चाहिए। तो फेनेटिक्स है इसमें, 60 कैरेक्टर से कम होने ही नहीं चाहिए, और मैक्सिमम आप 80 से 100 यार इससे भी ज्यादा ले सकते हो। जितने ज्यादा करेक्टर आप जुटाओगे उतना अच्छा क्लासिफिकेशन होगा। तो नॉट लेस देन 50 कैरेक्टर्स ये रूल है। इंक्लूड ऑल पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, अगर कोई प्लांट का क्लासिफिकेशन फेनेटिक्स के बेस पे आप कर रहे हो, फेनेटिक्स सिस्टम यूज करके, तो उसमें ऐसा नहीं है कि आपने प्लांट का ऊपर का पार्ट देख लिया, रूट के बारे में कुछ नहीं देखा, सब कुछ देखना पड़ेगा एक एक चीज को। फ्लोरल कैरेक्टर में लगभग आपको 15 से 20 तो फ्लोरल कैरेक्टर मिल जाएंगे, 25 30। फिर उसमें स्टेम कैसा है, प्लांट की हैबिट क्या है, मतलब वो श्रब है या अंडर श्रब है या हर्ब है या फिर बड़ा ट्री है। इसके अलावा जैसे कि वेनेशन देख सकते हो, एस्टिवेशन देख सकते हो, अरेंजमेंट ऑफ लीफ देख सकते हो, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर देख सकते हो जिसको इनफ्लोरिसेंस बोलते हो, एंड्रोसियम की पोजीशन, गाइनोसियम की पोजीशन, नंबर ऑफ स्टेमेंस कितने हैं, पोजीशन ऑफ स्टेमेन, लाइन ऑफ डिहेसेंस कैसे होती है। ठीक, बहुत सारे कैरेक्टर हैं जितने आपको मैंने फैमिलीज में पढ़ाए हैं, इन सब चीज़ों को थोड़ा सोचा करो तब चीज़ें समझ में आएंगी। थर्ड रूल है बिलोंग्स टू ऑल द स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल, उसके लाइफ साइकिल की सभी स्टेजों के लक्षणों को लिखना पड़ेगा कि किस प्रावस्था से गुजरता है वो प्लांट। फोर्थ पॉइंट है ड्यू ड्यू अटेंशन गिवन टू मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, इकोलॉजी एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये इतनी चीजों के लक्षण भी आपको देखना पड़ेगा, उसकी मॉर्फोलॉजी क्या है, फिजियोलॉजी, इकोलॉजी और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ है, उसके अकॉर्डिंग भी कुछ डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये बेसिक रूल है। कैरेक्टर वेटिंग, इक्वल वेटिंग और सक्सेसिव वेटिंग दो टाइप का है। फेनेटिक्स में जनरली तो इक्वल वेटिंग ही यूज किया जाता है। ऑल द कैरेक्टर सेलेक्टेड आर गिवन इक्वल वेटेज विल क्रिएटिंग टेक्सोनोमिक ग्रुप्स एंड इज वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी। तो ये तो एक भाई प्रिंसिपल ही था न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी का, प्रिंसिपल में ही हमने आपको पढ़ाया था, अभी बताया था कि जब आप कैरेक्टर चूज करोगे तो चाहे छोटा हो या बड़ा हो इक्वल वेटेज रहेगी उसकी। सक्सेसिव वेटिंग मतलब द कैरेक्टर विच शो द लीस्ट मॉर्फो, लीस्ट होमोप्लेजी मतलब यूनिकनेस आर आइडेंटिफाइड एंड गिवन मोर वेटेज इन द सब्सिक्वेंट एनालिसिस। ठीक है, तो मतलब ऐसा कोई कैरेक्टर बड़ा यूनिक है, समझ रहे हो, तो उसका जो है तो थोड़ा ज्यादा वेटेज रहेगा। अब लास्ट में आता है क्लस्टर एनालिसिस। ये क्या होता है, क्लस्टर एनालिसिस क्या है, इस पे अलग से शॉर्ट नोट पूछा जाता है, ये याद रखिए आप। ठीक, शॉर्ट नोट इस पे आता है, ठीक, कमेंट लिखने को आता है अलग से। इन दिस द कंप्यूटर सॉर्ट्स सॉर्ट आउट द OTUs अकॉर्डिंग टू दियर ओवरऑल सिमिलरिटी, दैट इज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कैरेक्टर इन कॉमन। द सॉफ्टवेयर प्रोड्यूसेस अ फेनरोग्राम, फेनोग्राम दैट इज अ डेंड्रोग्राम, डेंड्रोग्राम होगा यहाँ पे। ठीक है, द सॉफ्टवेयर प्रोड्यूसेस अ फेनोग्राम दैट इज अ डेंड्रोग्राम, मतलब ब्रांचिंग ट्री डायग्राम, समझ रहे हो, इस तरीके से जैसे कि आप
एवोल्यूशन की दृष्टि से देखा जाए तो जैसे बर्ड हैं, लिजार्ड हैं और रेप्टाइल्स हैं, एवीज हैं, एवीज को ही तो बर्ड बोलते हैं ना, तो किस तरीके से निकले हैं उनके कई सारे हम वो दे सकते हैं कि अलग अलग डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, विच शो द टेक्सोनोमिक रिलेशनशिप बिटवीन द टेक्सा। तो इसमें हम क्लस्टर एनालिसिस, यहाँ पे थोड़ा सा क्लेडिस्टिक और फेनेटिक्स के बारे में डिफरेंसेस लिखे हुए हैं, बाकी जो है ये है आपका, देखिए ये है फेनेटिक डाटा और इधर क्लेडिस्टिक डाटा है, ये फेनेटिक डाटा है और ये है क्लेडिस्टिक डाटा। ठीक, तो ये हम अगले लेक्चर में आपको डिटेल में बताएंगे क्योंकि इस पे भी काफ़ी टाइम लगेगा। तो बेसिक चीज़ें जो आज की थी वो हमने आपको बताया, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं, पीडीएफ में मिल जाएंगी आप लोगों को, वहाँ से पढ़ लेना। बाकी डिटेल में हम अगले लेक्चर में बात करेंगे कि ओटी यूज क्या होता है और डाटा जो क्लस्टर एनालिसिस है इसके बारे में कुछ बात करेंगे, और फेनेटिक्स और क्लेडिस्टिक में जो मेन मेन डिफरेंसेस हैं इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो आई होप आपको आज की सभी चीज़ें समझ में आई होंगी, अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।